ठीक है डॉक्टर राहुल, मतलब आपकी पेशेंस की और आपकी जैसे कहते हैं मोटिवेशन की तो दाग दाद जो है वो तो तमाम दर्शकों ने दी और वो तो देखी भी। मतलब कैसे एक व्यक्ति 2 साल से घर नहीं गया, लगा हुआ है ऐसे ही परिवार मान रहा है, और हैट्स ऑफ टू यू सर, योर मंत्रा। सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि अगर समाज ये सोच ले कि सिर्फ डॉक्टर्स ही कोरोना ख़त्म करेंगे तो ये असंभव वाला काम है। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हम इस चेन को तोड़ पाए। मेरा मंत्र वही है जो मैं लोगों से चाहता हूँ कि अपनी पर्सनल हाइजीन का बहुत ध्यान रखें, और आपको कोशिश अगर आप कोशिश नहीं करेंगे तो ये ख़त्म नहीं होगा। सिर्फ अस्पताल से, सिर्फ डॉक्टरों से, कुछ हेल्थ केयर वर्कर्स से ये ख़त्म नहीं होने वाला है जब तक हर एक आदमी जो सोसाइटी में है वो अपनी पार्टिसिपेशन दिखाए। वो अपनी भागीदारी ऐसे दिखा सकता है कि जो बेसिक एटिकेट्स हैं वो फॉलो करें। आपको जितना कहा जा रहा है, कम से कम आपको घर रहने को कहा जा रहा है। कभी किसी ने सोचा था कि सिर्फ इतना कहा जाएगा आप घर रहिए आप सुरक्षित रहेंगे? जो कहा जा रहा है उतना सुनना है। आपकी इतनी सहभागिता ही कोरोना के चेन को तोड़ने में हमारे लिए काफ़ी है। कम से कम जो आप कर सकते हैं ज़रूर करें। हम घर गए नहीं गए, बहुत सारे ऐसे हज़ारों डॉक्टर्स हैं। हमारी स्टोरी छोटी है, इम्पॉर्टेंट है कि अगर हमने इस चेन को तोड़ दिया तो सब कुछ सार्थक हो जाएगा, नहीं तो सब कुछ निरर्थक हो जाएगा। तो समाज को जगना होगा, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, और तभी वैक्सीनेशन हो रहा है। गवर्नमेंट के जितने भी पॉलिसीज हैं कोविड को लेके प्लीज़ फॉलो करें, वही जीवन मरण के बीच का दूरी तय करता है। सब एक साथ एक ही लाइन पे होंगे विथ अ सिंपल और उस माइंड सेट नेगेटिविटी को कि कैसे हमें दूर रखें हराना है कि देखिए तो ही हम जीत लाखों पाएंगे। मौत हो गई, कोई यंग है वो भी जा रहा है, जिसको नहीं है उसको भी हो गया। WHO ने ये कह दिया भारत के बारे में, नई वैक्सीन की बहुत कमी है, इस रफ्तार से तो 4 साल 5 साल लग जाएंगे। अरे भैया पता नहीं क्या होगा, हमारे आस पड़ोस में जो है काफी लोगों को अफेक्ट हुआ। उस नेगेटिविटी का कैसे डील करें फिर डॉक्टर राहुल सिंह? सर इम्पॉर्टेंट यह है कि बहुत सारा जब इन्फॉर्मेशन फ्लो होता है तो इन्फॉर्मेशन की ऑथेंटिसिटी चेक कीजिए। एक इन्फॉर्मेशन का सोर्स आपका ICMR का गाइडलाइन है, या जो हमारे अपने भारत सरकार की जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं उनको एक पर्टिकुलर सिस्टम को फॉलो करना है। और निगेटिविटी में मत रहिए। इम्पॉर्टेंट यह है कि जो हम कर सकते हैं हम वो करें। हम क्या कर सकते हैं? अपने बच्चों को घर में रख सकते हैं, हाइजीन प्रैक्टिसेस कर सकते हैं, छोटे मोटे फंक्शंस को अवॉइड कर सकते हैं। आप जब ये सोचते हैं कि कुछ नहीं होगा, वहां तो गए थे, वो गया, उसमें कुछ नहीं हुआ, इंपॉर्टेंट है कि कोई एक आदमी जो इन्फेक्टेड है वो आपको वायरस दे सकता है। आप ये सोचते हैं कि ठीक है वो तो मेरा बहुत क्लोज है, मैं उसकी शादी में चला जाता हूँ, ये सोचना पड़ेगा। आपकी जिम्मेदारी इतनी है, और हम जब जिंदा रहेंगे तो पॉजिटिव और निगेटिव होंगे। ये जो वक्त है मेंटली बहुत स्ट्रांग होने का है, ये डिसाइड करने का है कि हम स्वस्थ रहे, हमारा परिवार स्वस्थ रहे, तभी देश बचेगा। उन्हें तो देश नहीं बचेगा और देश खत्म नहीं होने देंगे। डॉक्टर्स तो लगे हुए हैं, लेकिन डॉक्टर्स अकेले नहीं कर सकते। समाज को साथ आना पड़ेगा, सरकारें साथ हैं। बिना कम्युनिटी पार्टिसिपेशन के ये चेन नहीं टूटेगा।